कोनिचुडुगुस, तो कैसे हैं आप सभी, होप से बोल कर चाहोगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइक्स फैमिली एनिमे का एपिसोड नंबर 7। सो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनिंग शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें टॉयलेट को दिखाया जाता है जो खाना बना रहा है एंड सोच रहा है कि उसके मिशन का कौन सा पार्ट हुआ है एंड उसने कौन कौन सी गलतियाँ की है। जैसे कि पिछले दिन अनायने स्कूल में जिस लड़के के साथ उसका दोस्ती करना था उसने उसी लड़के को मुक्का मार दिया एंड अभी उसे अनाय को एक इलाइट स्टूडेंट बनाना पड़ेगा ताकि उसका प्लान का आगे का हिस्सा आराम से चल पाए। एंड देन यहाँ पे योर उठ जाती है एंड वो बोलती है शायद अनाया अभी भी सो रही है एंड लेकिन अनाया दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी एंड वो डर रही थी टॉयलेट से कि वो उसे डांटेगा। लेकिन टॉयलेट बोलते हैं डरो मत, नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। एंड यहाँ पे वो खाना खाते खाते सॉरी बोलती है पिछले दिन के लिए एंड टॉयलेट बोलता है कि चिंता मत करो, पिछली बीती बातें भूल जाओ एंड आगे से स्कूल में ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना एंड हाँ ज़रूर उस लड़के को जाके सॉरी बोलना। एंड देन वो योर एंड टॉयलेट अनाया को स्कूल बस में छोड़ देते हैं एंड अनाया यहाँ पे स्कूल में पहुँच जाते हैं एंड पहुँचते ही बेकी जो वो दूसरी लड़की थी जो उसकी नई फ्रेंड है अनाया की उससे मुलाकात होती है जो कि गाड़ी में आई है एंड अनाया गाड़ी देख के बोलती है क्या तुम एक प्रिंसेस हो या तुम महल में रहते हो। ऐसे सारे बातें करते करते वो लोग स्कूल के अंदर घुस जाते हैं एंड घुसते घुसते वो अनाया ख्याल करती है उस लड़के को डोमेन जो कि जिसको उसने मुक्का मारा था एंड उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन वो लड़की बेकी उसे माफ़ी मांगने नहीं देती है एंड वह से खींच के ले जाती है। एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट एक टेरेस के ऊपर से ये सब दूरबीन से देख रहा है क्योंकि वो उसका मिशन के हिस्सा है एंड वो बोलता है कि जो भी हो मुझे अनाया को माफ़ी मांगवाना पड़ेगा ही। अगले सीन में हमें अनाया एंड बेकी को दिखाया जाता है जो लोग क्लासरूम में हैं एंड क्लासरूम के सारे लोग उनके बारे में बड़ा बुरा कह रहे हैं कि वो लड़की एक शायद मॉन्स्टर है, बहुत ही बुरी है, उसने पहले दिन आके ही फाइट करना शुरू कर दिया है, ऐसे सारे एलिगेंस लगा रहे हैं उसके ऊपर। एंड पीछे वो तीन लड़के बैठे हुए हैं एंड उसका जो मेन डोमेन जो लड़का है डोमेन ऐसा कुछ नाम था वो मनी मन में सोच रहा था कि आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठे, मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया लेकिन इस लड़की ने हाथ उठाया। यू लिटिल ऐसा मन में सोच रहा है एंड अनाया उसके मन की बातें पढ़ लेती है एंड सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। एंड देन क्लास शुरू हो जाता है एंड क्लास शुरू होने के बाद अनाया क्लास करते करते सो जाती है एंड यहाँ पे बेकी उसे जगाती है एंड बोलती है कि हमें क्लास चेंज करना है एंड तभी अनाया नींद से उठ के बोलती है मुझे उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा एंड वो उनके पीछे भागने लगती है। एंड यहाँ पे हमें टॉयलेट को दिखाया जाता है जो कि भेस बदल के स्वीपर का काम कर रहा है स्कूल के अंदर एंड यहाँ पे वो सारा दिन लेकिन अनाया यहाँ पे माफ़ी नहीं मांग पाती एंड टॉयलेट सारा दिन किसी न किसी तरीके से सॉरी बुलवाने की कोशिश करता है अनाया से, यहाँ तक कि खाने के ऊपर सॉरी 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 लिख कर अनाया को याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। एंड यहाँ पे वो समझ जाता है कि उस लड़के को यहाँ से हटाना पड़ेगा वरना अनाया माफ़ी नहीं मांग पाएगी एंड वो कुछ चाल करके उस लड़की को यहाँ से हटाता है, किसी और जगह पे उस लड़की को बुलाता है उसका नाम अनाउंस करके। एंड यहाँ पे अनाया बोलती है अभी मेरा चांस है माफ़ी मांगने का एंड वो उन लड़कों के पास जाती है माफ़ी मांगने एंड तभी जो उस लड़के के दो चेले लड़के थे वो दोनों अनाया के सामने आ जाते हैं एंड बोलने लगती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो। एंड यहाँ पे जो हमारा मेन बंदा है वो यहाँ पे उतरता है एंड उसके सामने उसे इंसल्ट करने के लिए जाता है लेकिन उसके मुँह के अंदर कोई शब्द ही नहीं बचता एंड वो थोड़ा शर्मा जाता है एंड उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब बीट करने लगता है। एंड यहाँ पे मन ही मन में जो दो चेले हैं वो सोचने लगते हैं कि हमारा जो बॉस है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से वाला है एंड अभी इस लड़की को तो वो धो डालेगा, पिग फेस, रकून फेस, ऐसे सब बोल के। एंड अनाया यहाँ पे इसके जो सारे बातें हैं उनके मन के बातें सुनते हैं एंड
सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड ये सारे इमेजिनेशन करने लगती है एंड वो माफ़ी मांगती है एंड रो भी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। एंड ये देखकर वो लड़का तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है कि ये लड़की उसके सामने रो पड़ी है एंड उसे ये बहुत ही क्यूट लगता है। एंड वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, उसका फेस पूरा लाल हो जाता है टमाटर की तरह। एंड वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हार्ट इतना ज़्यादा रेस क्यों कर रहा है एंड मैं ये कभी एडमिट नहीं करूँगा। एंड वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं ये कभी एडमिट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। एंड आप यहाँ पे समझ ही रहे हैं उस लड़के का प्रॉब्लम क्या है, उसको अनया पसंद है। एंड यहाँ पे जो उसने बोला कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये सुन के तो टॉयलेट पूरी तरह से टूट जाता है एंड अनया भी बोलने लगते हैं कि स्कूल बहुत ही स्केरी है। एंड अगले सीन में हमें देखा जाता है वो लोग घर आ चुके हैं अनया एंड टॉयलेट उसे पड़ा रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर दे रहा है एंड बोलता है कि अगर तुमने ये कंप्लीट नहीं किया तो फिर तुम शाम का स्पाई शो नहीं देख सकती। एंड ऐसा सब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से अनया को थोड़ा मतलब उदास हो जाती है एंड वो अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। एंड यहाँ पे टॉयलेट अनया के ऊपर चिल्लाने लगता है, तभी योर बोलती है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, बहुत छोटी बच्ची है, उसको अपने क्या बोले अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करने दो। एंड यहाँ पे टॉयलेट सोचता है कि आखिर में ये तो सच ही है, वो एक छोटी बच्ची है, उसको क्या पता है मेरे प्लान के बारे में। एंड वो बोलता है कि अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे धीरे धीरे से आगे बढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा रश करूँगा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। एंड यहाँ पे वो योर को थैंक यू बोलते हैं एंड यहाँ पे वो दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। तभी योर से मतलब टॉयलेट योर को बोलते हैं अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स है तो मुझे देना, तुमने तो अपने छोटे भाई को पढ़ाया है। एंड तभी योर बोलते हैं कि असल में मेरे छोटे भाई को मैंने नहीं पढ़ाया, बल्कि मेरे छोटे भाई ने मुझे ज़्यादा पढ़ाया है, आप बोल सकते हो। वो मैं जब भी वो कुछ अच्छा करता था मैं उसे प्रेस करती थी एंड वो प्रेस सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था एंड वो और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करता था ताकि वो मुझसे मतलब अपनी तारीफ सुन सके। एंड यहाँ पे टॉयलेट को ये और बोलते हैं कि आप भी ऐसा करिए, अनया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कीजिए एंड ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके। एंड टॉयलेट ये समझ पाता है एंड देन वो अंदर जाके अनया को जगाने की कोशिश करता है, मतलब अंदर दरवाज़ा खुलता है एंड देखता है कि अनया असल में अंदर बैठ के पढ़ रही थी एंड पढ़ते पढ़ते वो सो गई थी। एंड यहाँ पे वो उसे सुला देता है एंड सुला के सोचता है कि अगर मेरा एक असली परिवार होता तो फिर मैं क्या सोचता। एंड देन यहाँ पे हमें लास्ट में योर के भाई को दिखाया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन का एक ऑफिसर है, हेड ऑफिसर शायद। एंड यहाँ पे एक आदमी था जो हमारे पहले एपिसोड में पार्टी में आया था एंड पहले नहीं दूसरे एपिसोड पे पार्टी में आया था। एंड वो उसे पूछा है कि तुम तो उस पार्टी में गए थे, योर का भाई पूछता है। एंड योर ने अपना बॉयफ्रेंड लाया था, वो कैसा आदमी है। एंड यहाँ पे वो आदमी बताता है योर तो शादीशुदा है नहीं। ये सुन के तो उसका भाई का आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, बोलते उसने शादी कर ली है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अभी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि शायद आगे के एपिसोड कभी कभी लेट आ सकते हैं, आएंगे ज़रूर लेकिन एक दो दिन लेट आ सकते हैं क्योंकि हम अपनी स्टडीज़ के साथ थोड़े बिजी हैं एंड जो डिफरेंट टॉपिक्स के जो वीडियोस है वो भी थोड़े कम आ सकते हैं अभी के लिए। सो आशा करता हूँ आप लोग अप्रिशिएट करेंगे हमारे वीडियोस को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड या आज का वीडियो ये तक था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। आरा, आरा, सायोनारा।